जी, सो हे क्लास 8, ऑल्दो वी आर देयर इन द क्लास बट स्टिल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस। एंड ये जो वर्कशीट है दिस इज फ्रॉम द लिविंग साइंस और बड़ी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्कूल बुक्स के साथ में इसको कर लो बिकॉज इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो हमें अपनी बुक में नहीं मिलता है, तो वी शुड ऑलवेज रेफर टू 2-3 बुक्स एट अ स्ट्रेच, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ये तो सारे बच्चों के फेवरेट है आजकल, तो टिक टिक मरी जाओ और काम खत्म, है ना, या फिर जय माता दी कौन से भी टिक करें। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स है ना, आई एम आस्किंग, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सारे एक्सेप्शन को मिलाकर, ठीक है, इस बात का याद रखना। पहला है दे आर हार्ड सॉलिड्स, क्या सारे मेटल्स हार्ड सॉलिड होते हैं? यस स्वाति? नो मैम। नो मैम। यस, वेरी गुड। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्या सभी मेटल्स ऐसे होते हैं? यस अक्षिता, क्या सभी मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है? नो मैम। यस, वेरी गुड। ओके, दे हैव 1-3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए रुक जाओ क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। दे आर मिलिएबल एंड डक्टाइल, सारे मेटल्स होते हैं मिलिएबल एंड डक्टाइल? यस मैम। अरे सारे कैसे हो सकते हैं? नो मैम। हमारा लिक्विड है, कैसे वायर में कन्वर्ट करोगे? नो मैम, लिक्विड होता है। मैम यस मैम, मरकरी। प्लीज एक सेकंड रुक जाना मैम, एक्सेप्शन है। हां जी एक्सेप्शन है, तो हमारा यहाँ पे जो आता है ना, दैट इज दिस। अब इसका क्या मतलब होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, ये मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग दे रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू अ वेरी डिटेल्ड थिंग। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, दे हैव बीन गिवन अ परफेक्ट नंबर, जैसे नंबर दे देते हैं उनको, आपको क्लास में रोल नंबर्स मिलते हैं ना, उसके जैसे ही हमने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बोलते हैं उसको, आपके लिए वो रोल नंबर है, उनके लिए वो एटॉमिक नंबर है, उनकी क्लास को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आपकी क्लास को जो भी आपका व्हाटएवर द नंबर इज, 8th क्लास, 8th A, 8th B, 8th C, इस तरह से, राइट। यहाँ पे उनकी जो क्लास है उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल, एंड दे हैव बीन असाइंड एन एटॉमिक नंबर व्हिच इज देयर आइडेंटिटी, वो उनकी आइडेंटिटी होती है। मैं आपको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, ठीक है बेटा। देखो सोडियम जो है ना बेटा Na, देन यू हैव मैग्नीशियम एंड यू हैव एल्यूमिनियम, ठीक है। जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक बेटा, मैग्नीशियम का 12 एंड दिस इज 30, क्लियर। अब 11 का मतलब क्या होता है, हमने इसको ना, अब देखो आपके भी जब रोल नंबर असाइन होते हैं उसके बाद टीचर जो है, कई टीचर्स प्रेफर करते हैं कि आपको हम रोल नंबर वाइज बिठाएं, कई टीचर्स कहते हैं एक बॉय एक गर्ल बैठे, कई टीचर्स का अपना अपना वे होता है। अब पीरियोडिक टेबल में क्योंकि यहाँ पे कोई गर्ल बॉय का तो स्यापा है नहीं, तो यहाँ पे हमने एक चीज यूनिफॉर्म कर दी कि जब आपने इसको अरेंज करना है ना, हम इसको अरेंज करते हैं इन बोल सकते हो आप उसको शेल्स बोलते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसको बोलेंगे इन लेयर्स, ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। सो दिस इज 2, 8, 1, तुषार ऐड दिस, 2+8, यस बेटा 2+8, 10+1, ये आ गया 11 आ गया, ठीक है। हमने जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे शेल आएगा उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखने, हमेशा, ठीक है। इसका जो रीजन है वो मैं आपको अलग से, मैम ये ना मैम अच्छी तरह नहीं समझ आ रहा, जैसे ये Na11Mg12। मेरी बात सुनो ना, अभी देखो हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैं आपको यही बात बोल रही हूँ कि अभी सिर्फ आप एक मतलब सुपरफिशियल तौर पे इसको समझो, इसके लिए मैं अलग क्लास रखूंगी आपकी, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ लेक्चर्स, ये बहुत सारे लेक्चर्स कंज्यूम करता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है विच इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कभी भी केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगेगी, दिस इज लाइक आप राइटिंग में ले लो, ओके। चलो सो इसको हम कैसे अरेंज करते हैं, 2, 8, 2, अब आप इनको ऐड करके देखोगे 12 आ जाएगा, सिमिलरली 2, 8, 3। तो बैलेंस का मतलब होता है जो आपका लास्ट शेल बनता है। आई विल डेफिनेटली टेक अप अ क्लास पर्टिकुलरली सिर्फ इसके ऊपर हम क्लास लेंगे, दिस इज अ शॉर्ट, ठीक है। और ये कंसेप्ट हमने समझ कर ही 9th में जाना है, उससे पहले मैंने आपको 9th में जाने ही नहीं देना, ठीक है। पर जाना तो है ही 9th में, चलो आ जाओ, ठीक है। इट्स 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। चलिए अब है गोल्ड, हम थोड़ा सा ऊपर कर, हाँ जी बेटा लो, इसमें क्या नोट करना था, ये लो। गोल्ड नॉर्मली अकर्स इन नेचर, गोल्ड जो है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, इन फ्री स्टेट,
इन एज कार्बोनेट ओर, एज सल्फेट ओर या फिर एज सल्फाइड ओर. जो आपका गोल्ड होता है ना, इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव इन नेचर. आपने देखा होगा जो ज्वेलरी होती है वो एज इट इज रहती है, कितने साल निकल जाते हैं है ना, तो वो एज इट इज रहती है. जैसे आपने कभी सुना होगा, हो गया, हाँ जी, जो मम्मा है वो बोलती है कि यार ये मेरी दादी ने मुझे दिया था, ये मेरी नानी ने दिया था. सो क्यों दिया था? क्योंकि इट इज वेरी 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 इनर्ट एलिमेंट, वो रिएक्ट नहीं करता, वो बड़ा शांत सा एलिमेंट है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं. तो ये कौन सी स्टेट में अकर करता है बेटा? मैम डायमंड भी नहीं करता ना. हाँ जी, डायमंड तो बेटा होता ही नॉन मेटल है ना. डायमंड इज अ नॉन मेटल. अब आ जाओ, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? अब ये तो शायद आप बताओगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इज इट मैग्नीशियम, इज इट गोल्ड, इज इट प्लैटिनम और इज इट सोडियम? आयरन. अरे आयरन का तो ऑप्शन ही नहीं है, कहां से आ गया आयरन? ओ मैम, मैम मैं दूसरे वाले के देखने लग गया था. हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? मैम प्लैटिनम. हाँ जी मैम प्लैटिनम. अरे मोस्ट मैम प्लैटिनम. अरे कैसे? मैग्नीशियम. कैसे? मैम मैग्नीशियम. केदारनाथ का माली, केदारनाथ, न एन. सो इट इज सोडियम बेटा, सोडियम होता है, भूल गए. कोई बात नहीं बच्चा पार्टी. मैम बट मैम एक और जो है, मतलब प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा वाला है वो, मैम प्लीज है उसके स्टार्टिंग में, तो प्लैटिनम. बेटा प्लैटिनम इज नॉट पी, पीटी होता है. प्लैटिनम तो कहां सबसे नीचे जाके आता है बेटा. प्लैटिनम की आपने सुना नहीं, ज्वेलरी आती है, रिंग्स आती है, फिर तो वो रिएक्ट कर जाएगा, फिर कैसे पहनेगा कोई उसको, राइट? चलो, Which of these metals cannot displace hydrogen from a dilute acid? इसमें से कौन सा जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? That means वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है. बताइए, is it iron, zinc, silver और calcium? कौन सा नहीं कर सकता डिस्प्लेस? अर्नव. हाँ जी बेटा. सिल्वर. ठीक है, चलो. ओके मैम, वो प्लीज पोटेशियम के लिए था. मुझे तो मालूम है, मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि अभी हम ये फटाफट से एमसीक्यूज कर लेंगे, उसके बाद वो डाउट्स क्लियर करेंगे, राइट? अगर आप बीच में अटक जाओगे. पीटी प्लैटिनम तो बेटा वैसे ही बड़ा इनर्ट है. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये तीन की तिगड़ी तो बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग? अब ये भी आपको नहीं आता, इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इट इज ड्यूरेलियम. क्यों है? अलॉयज का मतलब होता है इट इज मिक्सचर ऑफ ईदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम उनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, या मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, तो इसमें से जो ड्यूरेलियम होता है वो बहुत ही हल्का पर स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक, अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द मेटल्स कैन डिस्प्लेस ऑल द थ्री मेटल्स फ्रॉम देयर कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस? अब इनमें से ये कौन सा ऐसा है जो सबको ही डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कि जो सबसे ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में इन चारों? कॉपर. कॉपर कैसे कर सकता है बेटा? कॉपर तो जिंक से भी कम वो होता है. मैम आयरन. देख लो यार, मैम आयरन एंड जिंक. जिंक, यस इट इज जिंक. केदारनाथ का माली, आलू, जरा फीके. जरा मतलब पहले आ गया, जिंक आपका पहले आया, ठीक है, फिर आता है आयरन. अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको समझो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सक्यूज मी. हां जी बेटा. कोई दिक्कत नहीं. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से समझो. मेटल ए इज डिप्ड इन अ सॉल्ट ऑफ मेटल बी. ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका एक ए है प्लस सॉल्ट ऑफ बी. ठीक है, अब इस ए ने क्या किया, इस बी को धक्का मार के उसने हटा दिया. तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है. ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया आपके लिए, अब इसका समझना है ध्यान से. ए इज मोर रिएक्टिव देन बी या फिर बी इज मोर रिएक्टिव देन ए? दोनों के दोनों दे आर इक्वली रिएक्टिव या फिर हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे? आई थिंक डी ऑप्शन ठीक है. कोई मैम ए इज मोर रिएक्टिव. मैम ए.
ये तो सरप्राइज इज मोर रिएक्टिव देन बी वेरी गुड वेरी गुड ये तो सरप्राइजिंग हो गया मैं सोच रही थी एवरीबॉडी विल से मैम समझ क्या है यहां तो एवरीबॉडी गिव मी द आंसर गुड मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स ईदर एसिडिक और बेसिक और देयर इज नो रिएक्शन मैम बेसिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स यस ओके बेसिक basic asma tell me the next the metal most common used in the construction industry is it iron copper aluminium or tin iron yes okay next okay pieces of copper silver and gold are dropped into a solution of iron sulfate theek hai the piece that will get a coating of copper is copper ki coating kiske upar ho jayegi agar aapke paas humne kya kiya आयरन सल्फेट में कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों हमने कॉइन्स पुट कर दिए ठीक है पीसेस पुट कर दिए तो किस पीस के ऊपर कॉपर की कोटिंग आ जाएगी मैम आयरन 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 के ऊपर कैसे आ सकती है बेटा सॉल्यूशन है आयरन सल्फेट मैम सिल्वर No, it will be none of them. क्योंकि आपका जो ये कॉपर और सिल्वर ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट कर जाएंगे ऐसे तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे until unless it is there in the form of solution. Okay? वो तभी रिएक्ट करता है ठीक है बेटा क्लियर है सो वी हैव फिनिश्ड अच्छा मैम तो मतलब गोल्ड और सिल्वर का वो अलग देंगे हाँ जी बेटा अगर सोल्यूशन होता तो वी कुड हैव सेड तो अभी वी हैव डन ओनली द एमसीक्यूज पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड अलोंग विद दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर ठीक है आई विल टेक अ टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में हमारा टेस्ट भी होगा एंड वी हैव टू फिनिश दिस शीट आल्सो ठीक है मैम एंड मैथ्स